मेरा नाम है जॉश गेट्स। पश्चिमी भारत के एक छोटे द्वीप पर मैं नए खोजे गए खंडरों और अवशेषों को जोड़कर प्राचीन भव्य शहर द्वारका की सच्चाई जानने की कोशिश कर रहा हूँ। डॉक्टर एस आर राव नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट ने सबसे पहले पश्चिमी भारत के समुद्री किनारों पर प्राचीन शहर को तलाश करने की खोज शुरू की। हेलो, डॉक्टर ए एस गौर, एक्सपर्ट डाइवर भीमा प्लमर और भारत के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के डॉक्टर सुंदरेश ने हमारा स्वागत किया। हमने हाई सिक्योरिटी एरिया में डाइविंग की तैयारी शुरू कर दी। हम पाकिस्तान से कुछ ही दूरी पर हैं और दोनों देशों के बीच बहुत ज्यादा तनाव है, लेकिन इस खोज को भारतीय सरकार की परमिशन मिली हुई है। मैंने पानी में डाइव किया ताकि पता लगा सकूं कि साइंटिस्ट को नीचे क्या मिला। ओके, हम नीचे जा रहे हैं। विजिबिलिटी ठीक ठाक है, फॉलो मी। ठीक है, यहाँ रेत बहुत ज्यादा है और मुझे यहाँ पर बहुत सारे सी वीड्स भी दिखाई दे रहे हैं। जोश, जरा यहाँ आकर देखिए। मैं भीमा और दूसरे डाइवर्स की तरफ तेजी से बढ़ा ताकि देख सकूं कि उन्हें क्या मिला है। वो जरा इसे देखिए, ये पक्का किसी इंसान का ही बनाया हुआ है। इसकी शेप रेक्टेंगल है और ये कुदरती नहीं हो सकता। इस पत्थर को जरूर किसी तरह की इमारत के लिए तराशा गया होगा, लेकिन इसके बारे में मैं पूरी तरह से नहीं जानता। ये तो कमाल की चीज है, देखते हैं आसपास और क्या मिलता है। हमने उस जगह के आसपास लगे सीवीड्स को हटाना शुरू कर दिया और जल्द ही हमें एक और पत्थर मिल गया। यहाँ एक और है, और फिर एक और। यहाँ पर एक और है, और फिर एक और। यहाँ चारों तरफ पत्थर फैले हुए हैं, तराशे हुए पत्थर, ये खंडहर हैं। भीमा, यहाँ कितने पत्थर होंगे? हमें बहुत पत्थर मिले हैं, लेकिन ये 200 मीटर के इलाके में फैले हुए हैं। यहाँ देखिए, बहुत ही शानदार, 100% इंसानों का बनाया हुआ है। वैसे ये क्या चीज है? ये किसी खंबे का बेस होगा। मतलब ये किसी पिलर को सपोर्ट करने की फाउंडेशन है, क्यों? बिल्कुल, ये तो कमाल की चीज है, यकीन नहीं होता। सिर्फ फाउंडेशन ही वहाँ आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स नहीं थे, हमने वहाँ तराशे गए पत्थर देखे जो एक दूसरे के साथ आसानी से फिट हो सकते थे, जिन्हें इंटरलॉकिंग मटेरियल कहा जा सकता है। आपने अब तक इस जगह पर कितनी खोजबीन की है? समुन्द्र के नीचे कुछ न कुछ नया मिलता ही रहता है, इसके नीचे बहुत कुछ हो सकता है। सवाल यह है कि द्वारका कितनी प्राचीन होगी? यही तो पता लगाना है, इन सारी चीजों को एक साथ देखना होगा। नए शहर से कुछ ही दूर समंदर के नीचे इन चीजों का मिलना वाकई कमाल की बात है। ये है एक्सपेडिशन अननोन।